अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तसव्वुफ़ पर लिखी हुई किताब इकमाल व शियम पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे सबक हासिल कर रहे हैं। आज जिस उनवान पर गुफ्तगू करेंगे वो है बंदा नवाजी। मुसनफ़ साहब शेख रहमतुल्लाह अलैह के फरमान को नकल करते हुए इस जगह पे लिखते हैं कि इलाही तूने अपना एहसान कम नहीं किया तो फिर किस तरह तेरे सिवा किसी दूसरे की उम्मीद की जावे, और तूने अपनी बंदा नवाजी की आदत को नहीं बदला तो तेरे गैर से क्यों कर सवाल किया जावे। शेख रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान को मज़ीद तशरीह करते हुए मुसनफ़ साहब लिखते हैं कि ए अल्लाह, तूने अपना एहसान बंदों के साथ कम नहीं किया, बल्कि तेरे एहसान का दरिया हमेशा से एक हालत पर जारी है, तो फिर क्यों तेरे सिवा दूसरे से उम्मीद की जाए, और तूने अपनी बंदा नवाजी की आदत को नहीं बदला इसलिए कि तेरी सिफ्त में तगैर व तबद्दुल नहीं, तो तुझको छोड़कर फिर क्यों दूसरे से सवाल किया जाए। शेख रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान को तशरीह करते हुए मुसनफ़ साहब लिखते हैं कि या अल्लाह, जब तू मोहसिन हकीकी है तो दूसरे से मैं क्यों उम्मीद रखूं, जब तू बंदा नवाज है और तूने अपनी ये आदत नहीं बदली तो मैं क्यों दूसरों के सामने जाके झुकूं या सवाल करूं। तो अल्लाह की मोहसिनियत इस सिफत का इरफान और बंदा नवाजी की जो सिफत है, इनका इरफान हासिल होने के बाद शेख रहमतुल्लाह अलैह वो चीज़ें महसूस करने के बाद ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह, जब एहसान का मंबा तू है या बंदा नवाजी का मंबा तू है और तूने ये आदत अपने नहीं छोड़े तो मैं क्यों दूसरे से सवाल करूँ।